अपनी सीटें लेके देखें। ये टोपी वैसे भी ठीक थी, टोपी का हमारे कोई लेना देना नहीं, टोपी तुम ऐसे लगा सकते हो वापस जैसे थी वैसे कर लो। ओके, ये अब आप वहीं पकड़ लीजिए, ये मैं पकड़ लेता हूँ, आपको इसमें बोलना है, बोलो हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? पूछ ले, आवाज़ आ रही है क्या? चलिए ठीक है, रमन कुमार मुखिया जी आपको बताना है मछलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा बंदरगाह, ये भी आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ये विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है? ये सर नाम थोड़ा नाहवासा। हाँ, नाहवासा बंदरगाह बिल्कुल सही है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई। मुंबई को। भारत में मुख्य कितने बंदरगाह है? मुख्य 13 है। 13 बंदरगाह है पीछा। ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पारादीप है, गोपालपुर भी है। पारादीप है, अच्छा। चलिए, भारतीय प्रमुख बंदरगाह की सीट रही है ना, पारादीपीय बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। एनोर बंदरगाह? एनोर सर तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह? तमिलनाडु। मांडवी बंदरगाह? मांडवी आपका गुजरात। गुजरात। चलिए, ये सीट तो क्लियर है, आप इसको याद है, ये है वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप है। तो आप बताइए, अच्छा पूरा फीफा वर्ल्ड की भी ये पूरी सीट है, अच्छा। फुटबॉल का जन्मदाता? फुटबॉल का इंग्लैंड। इंग्लैंड। मुख्यालय कहाँ है फीफा वर्ल्ड कप का? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। स्थापना कब हुई थी फीफा की? स्थापना हुई थी 1906 में। 1904 में, पेरिस में। 1904 पेरिस। हाँ ठीक है। ये सीट है राजधानी और मुद्रा वाली। तो अब आप बताइए, जापान की राजधानी? टोक्यो। मुद्रा? इसका येन। येन। ताइवान की राजधानी? ताइपे। मुद्रा है डॉलर। डॉलर। थाईलैंड की राजधानी? बैंकॉक। ठीक है, सर नहीं याद किया। अच्छा, मुद्रा अभी याद नहीं किया, ठीक है, अभी भी मौका कर लेना। इटली की राजधानी? इटली क्रोम। पुर्तगाल की? पुर्तगाल की ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं है पहले से ही हो, लिस्बन। स्पेन की? मैड्रिड। फ्रांस की? पेरिस। डेनमार्क की? नहीं याद है इसका। बेल्जियम की? बेल्जियम इसका सर इधर याद है, ब्रुसेल्स। अच्छा, इधर का सारा याद है। तुर्की की? तुर्की अंकारा। संयुक्त अरब अमीरात की? अबू धाबी। कुवैत की? कुवैत सिटी। सीरिया की? सीरिया की हो जाएगी आपका सियोल। दशमिक? दशमिक। लेबनान की? लेबनान का इसका बेरूत। कजाकिस्तान की? कजाकिस्तान का इसका अल्माटा। जाइए, बच गए हैं, रुक जाओ, चुनिंदा जवान बुलाते हैं। अरे वो क्या नाम है उसका, सौरभ, क्या नाम है उसका, सौरभ है ना, कहाँ है? आइए आइए, प्लीज कम हियर, कम हियर बेबी, कम फास्ट, आ जाइए। एक ही सीट लेके आए आप तो, चलिए कोई नहीं, एक में से पूछ लेंगे, आ जाओ। एक लेके आए, तीन में से भी एक ही याद हुई है। याद है? 30 तक। 30 तक याद है, 3 दिन में। और दूसरी सीटें बार बार याद कर रहे हैं? याद नहीं होती। अभी ये भी याद नहीं है तो बाकी दो सीटों खोलिए, नहीं खोलिए, याद करते हैं जैसे बोर्ड पर आ जाते हैं। ये याद करते फिर क्या हो जाता है? भूल जाते। भूल जाते क्यों? नाम है ऐसा, नहीं भूल जाता, नाम ही ऐसे भूल जाता है। अरे दादा सब तो याद हो। इसका नाम जानता है इसका लड़के का? मेरा नाम जानता है? आपका तो नाम जानते। जानते मेरा क्या नाम है? विराट सर। विराट सर। फिर भूला तो नहीं तू? जब मेरा नाम तो तू याद किया भी नहीं है, किया कभी, फिर कैसे याद है? सीट में से बोल रहा है। अच्छा। नाम है ऐसा है कि नाम ही ऐसा। पाकिस्तान? इस्लामाबाद। भारत? भारत के दिल्ली। नेपाल? नेपाल के थिम्पू है, नेपाल के काठमांडू। भूटान की? भूटान के थिम्पू। म्यांमार की? म्यांमार के नेपिटाओ। अफगानिस्तान की? अफगानिस्तान काबुल। चीन की? चीन के बीजिंग। मंगोलिया की? मंगोलिया के उलान बटोर। उलान बटोर। जापान की? टोक्यो। थाईलैंड की? थाईलैंड के बैंकॉक। बैंकॉक। वियतनाम की? वियतनाम के हनोई। हनोई।
बैठे बैठे टाइम पास ही कर रहा प्रभु। तो सुनेंगे कल दोनों सीटें। हाँ सुना देंगे। और ये भी कहा याद करते हैं पहले वो करना है। हाँ वो कर लेंगे और फिर ये करना। दोनों सुना देंगे। हाँ कल दोनों सुना देगा। ठीक 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 है बेटे। हाँ लड़कियों में से मैं नहीं तो कौन बे। आ जाइए कहाँ। अरे मोनिका जी कहाँ हो हैं? कहाँ मोनिका जी आइए आइए अपनी तीनों सीटें लेके आइए। देखें जल्दी से जब तक एक लड़के को देख लेते हैं पहले किसको। हाँ प्रभु खड़े हो जाइए। आ जाइए मैदान में आ जाइए। मोनिका जी आइए अपनी तीनों सीटें लेके। हाँ किस में से पूछा जाए सर? हाँ किस में से पूछ ले। ये दो ही लाया बेटा तीसरी लाया ना है। पहले इसमें से पूछ लेते हैं। पारादीप बंदरगाह। पारादीप गुजरात। हाँ सर कर्नाटक। हाँ अरे कहाँ है पारादीप बंदरगाह? पारादीप तमिलनाडु सर। हाँ कहाँ है? संस्कार नाम का कोई चीज है क्या? नहीं अरे उड़ीसा। उड़ीसा संस्कार नाम का कोई चीज है क्या? नहीं पारादीप अभी वो बता के गया था तभी तो मैं बोला। द्वारका बंदरगाह। द्वारका सर गुजरात। पोरबंदर बंदरगाह गुजरात। बेटा इधर मैं इधर देख रहा हूँ सोच रहा इधर वाला तो गुजरात ये कागज में पकड़ रहा है अब इसमें से पता नहीं चलेगा। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है? मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए ज़्यादा व्यस्त था ना वो उसको दबाव कम करने के लिए। उसका नाम भी ऐसा है कि तुम कभी नहीं भूलोगे नवासोवा। इन्हें नया बनाया जा रहा है नवासोवा समझे। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? कंटेनर पोर्ट पोर्ट ब्लेयर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है कौन सी नदी पर है? किस नदी? अब उड़ीसा में तुमको पता होना चाहिए कौन सी नदी बहती है। इतना तो हर एक को पता होना चाहिए भाई उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है। बेटे जूते खाने वाली पार्टी में भाई चल इसमें से राजधानी वाले में से टिक तो पूरे पे लगा रखा टिक लगा रखा याद कर लिए। फ्रांस की राजधानी? फ्रांस की पेरिस। हाँ तो तूने टिक लगा रखा है। स्पेन की? स्पेन की मैड्रिड। मैड्रिड इटली की? अरे इटली की तो सबको पता है यार। कार इटली की? रोम। सबको पता है। तो जर्मनी की? जर्मनी की सर टोक्यो। जापान की है? टोक्यो जापान की सर। हाँ जर्मनी की बता। बर्लिन। बर्लिन बर्लिन। हाँ मेरे बताए बाद बोला बर्लिन बर्लिन फिर क्या फायदा जो मैंने बता दिया। पकड़ चल याद कर इनको नहीं तो कल चमड़ी देड़ दूंगा। हाँ आ जाओ मोनिका जी। मोनिका जी आओ जल्दी दौड़ के देखें दौड़ के ज़्यादा समय नहीं है जल्दी आ जाओ जल्दी। चलो आओ उधर ही पूछ लेते हैं। भाई तुम पढ़ो जाके डिस्टर्ब ही नहीं हो। नहीं सबसे पूछेंगे इनको और तुम का क्या सबके पूछेंगे कोई संदेह नहीं है इसमें तो। पकड़ो एक और था ना पेज ए आवाज भाई एक और था ना पेज दो याद है। ओके कोई बात नहीं दो याद है। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। आराम से माइक ऊपर रखो इसको सर। अरे माइक ऐसे ऐसे रखो ऐसे आवाज नहीं जाएगी नहीं तो। एक रुपए के नोट को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। 2000 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी है? मंगलयान। 500 रुपए के नोट पर किसकी आकृति छपी है? दिल्ली का लाल किला। लाल किला। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
अब आते राजधानियों में, युगांडा की राजधानी कहाँ है? दो तीन ऑप्शन नहीं नहीं कई ऑप्शन नहीं मिलेंगे सर, याद है लेकिन कंपाला। कंपाला हाँ। केन्या की सर, ये देश पूछ रहे जी। अरे केन्या तो बहुत फेमस देश है भाई, केन्या की पहले टीम भी आती थी ना क्रिकेट की, आजकल बहुत दिन से नहीं देखी है। अब है ही नहीं, पहले आती थी ना केन्या की टीम क्रिकेट की सर। बताओ केन्या की। नैरोबी। हांगकांग की? हांगकांग की विक्टोरिया। फिलीपींस की? मनीला। सिंगापुर की? सिंगापुर सिटी। इंडोनेशिया की? जकार्ता। नहीं नुसंतारा नहीं बन गई, पुरानी वाली जकार्ता। मलेशिया की? मलेशिया कुआलालंपुर। ईरान की? ईरान की ओ ईरान की तेहरान। इराक की? इराक की बगदाद। तुर्की की वो अंकारा। संयुक्त अरब अमीरात की? अबू धाबी। सऊदी अरब की। हंगरी की बुडापेस्ट। पोलैंड की वर्सा। रूस की क्या बोलता है, मास्को और रूबल मुद्रा। हाँ। स्विट्जरलैंड की बर्न। स्वीडन की स्कॉटोम। मुद्रा याद नहीं है सर, मुद्रा भी तो याद है पर लगभग 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 से काम नहीं चलेगा प्रभु। हाँ खड़े हुए बसंती जी, देखें आ जाए मैदान में, आओ लेके आओ, देखें अपनी सीटें भी लेके आओ साथ में। अरे तुम कहाँ थे भाई, बाजार गए थे कब और अब आए हो तुम? और इतना लेट कैसे? घंटा डेढ़ घंटे की कटिंग को वापिस हो, कुछ अमन कॉलेज के सामने रिलायंस मॉल नहीं है वहाँ से सामान सामान लेके आए थे। पर तो कटिंग तुम रात में कटिंग करवाऊँ मैं तुमको? फिर फौजी सर ने कहा था एक महीने तक कहीं पे नहीं जाना। तो एक महीने का सामान लेके आए हो, तो केवल ठंडा लेके आए, गर्म तो है ही नहीं इसमें कुछ? और ये रहा गर्म इसमें। अच्छा जा पहले चेक तो करने दे, कुछ ज्यादा ही गर्म तो नहीं है? देख ले सिस्टम तो नहीं है? नहीं सिस्टम तो नहीं, नहीं इनकी ओर ठुकवा देगा तुम? नहीं है, चेक कर लो सिस्टम नहीं ला रहे? बिना सिस्टम कैसे जिएगा? चेक कर लो आपके मन में रह जाए। नहीं तो बिना सिस्टम कैसे जिएगा तुम? सर छोड़ दिया 15-20 दिन हो गए। 20 दिन? हर एक खेनी खाने वाला का यही जवाब रहता है, जब भी मैं मिलता हूँ खेनी खाता है भाई, कुछ खाता है खेनी पेनी? बोला नहीं जी मैं तो छोड़ दिया, बहुत पुरानी बातें हैं, वो तो सिस्टमों को छोड़ चुके हैं। चल चेक कर लो गुरुजी। चल कोई नहीं, चेक किया जब तो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो कुरकुरे के अंदर होगा कुछ ना कुछ। लाओ जी पकड़ो जी। अच्छा ये फीफा वर्ल्ड कप की बंदरगाह, चलो बंदरगाह वाले 5 क्वेश्चन पूछेंगे आपके, 5 के 5 सही जवाब देना है। कौन सा बंदरगाह बहारा पतन का विशेष उदाहरण है? हाँ उसको तो मुंड होगा ना सर, हल्दिया। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? कांडला बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। किस प्रकार का बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। टोडी बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु। बिल्कुल सही, 5 के 5 एक गलत था थोड़ा सा।